Hello friends, welcome in our channel. Now today we will discuss about polar form of complex number. Polar form of complex number. So देखिए polar form क्या है complex number की. हमारे पास r cos theta प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आर हमारा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और थीटा हमारे पास ये क्या है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसे आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं. और यहाँ पर जो पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट यूज होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज होता है. कौन सा आर्गुमेंट यूज होता है यहाँ पे आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका क्या होता है, व्हेन थीटा लाइज माइनस पाई टू पाई, ये है हमारी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पोलर फॉर्म हमारे पास कहाँ से आए. आपको पता है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए हम इसका ये देखते हैं कि एक पोलर फॉर्म हमने कहां से ड्राइव की. ये प्लेन में कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है हमारे पास, एक्स, हाइपोटेन्यूज आर. एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, आर कॉस थीटा. साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी बाय एच. साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच. पी हमारे पास क्या है, वाई. एच क्या है हमारे पास, आर. तो यहां से हम वाई फाइंड करेंगे, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओपी है. ओके, तो अब आप क्या करो, जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई. एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आर कोस थीटा. वाई हमारे पास क्या आया, आर साइन थीटा. तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आई, आर कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा. यही हमारा रिजल्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या क्या चाहिए, मॉडुलस और आर्गुमेंट. आर्गुमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और मॉडुलस भी, दोनों चीजें हमें फाइंड करना आता है. तो अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इन टू पोलर फॉर्म. कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे. तो देखिए ये सभी नोट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए, सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आइटा रूट थ्री. आपको कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में. तो आपको पता है मॉडुलस फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड भी पता है, कैसे फाइंड करते हैं मॉडुलस किसी भी चीज का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं. सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको सभी को पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. मॉडुलस आप ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, फिर मैं दोबारा भी मेंशन कर देती हूँ मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर जेड के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इस ढंग से आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हो. मॉडुलस आपको पता है ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. तो हम यहाँ पे वैल्यू देखिए, मॉडुलस फाइंड करेंगे. पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करते हैं. रियल पार्ट का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, इमेजिनरी रूट थ्री का स्क्वायर. तो हमारे पास क्या होगा, वन प्लस थ्री. आर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू. आर हमारे पास क्या आ गया है, टू. नाउ अब हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले अल्फा फाइंड कीजिए, टेन इनवर्स
y by x, y आपको पता ही है क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है, रियल पार्ट, आप ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। मैंने ये आपको ए सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर बताया था आर्गुमेंट। अब यहाँ आप देखिए x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये सिचुएशन हमें कहाँ मिलेगी, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, कहाँ मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ मिलेगा ये केस हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है हमने डिस्कस किया था आर्गुमेंट थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आर्गुमेंट, थीटा इक्वल टू अल्फा, तो हम अल्फा निकालते हैं पहले रूट थ्री अपॉन में वन, तो रूट थ्री आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, टैन के केस में टैन 60 डिग्री, टैन पाई बाय थ्री, तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, पाई बाय थ्री। और आर्गुमेंट आपको पता है फर्स्ट केस में क्या होता है, अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, थीटा क्या है आर्गुमेंट, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, दैट मींस पाई बाय थ्री, थीटा हमारे पास क्या आ गया पाई बाय थ्री, मॉडुलस क्या है टू, तो मॉडुलस फॉर्म क्या बन जाएगी, पोलर फॉर्म को आप ये भी कह सकते हैं मॉडुलस मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, पोलर फॉर्म को अनदर नेम आपको ये भी कई बार पूछा जाता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपको पता है आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं और यहाँ पर दोनों चीज आती है मॉडुलस भी और एम्पलीट्यूड। तो अब हमारा हमने इसको कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेड इक्वल्स टू आर क्या है हमारे पास टू, थीटा क्या आया हमारे पास पाई बाय थ्री, कोस पाई बाय थ्री प्लस आयता साइन पाई बाय थ्री, ये हमारे पास क्या आ गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले आप मॉडुलस फाइंड करेंगे और फिर आर्गुमेंट। मॉडुलस फाइंड करने का आपको फॉर्मूला ये मैंने मेंशन दोबारा से कर दिया, वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमें किसकी नीड है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं फोर क्वाड्रेंट का, हमने टेबल से उसे अच्छे से अंडरस्टूड किया प्रीवियस लेक्चर में, तो आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से कवर करें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डी मोरगन थ्योरम, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स।